ये अलग अलग तस्वीरें, इन सभी तस्वीरों में तमाम लोग, लेकिन एक चेहरा जो हर तस्वीर में नजर आ रहा है, लगभग हर तस्वीर में देश की दिग्गज हस्तियों के हाथों से सम्मानित होते हुए। इस शख्स का नाम है रामशरण वर्मा। बाराबंकी जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर मौजूद दादरा कस्बे में दौलतपुर गांव। इस गांव को जाने वाली संकरी सी सड़क से घुसते ही खेती के मायने बदल जाते हैं। सड़क के दोनों किनारों पर दूर दूर तक खेतों में विशेष तकनीक से खड़ी हुई केले और टमाटर की फसल और हर किसान की संपन्नता शहरों में रहने वाले लोगों को ईर्ष्या करने पर मजबूर कर देती है। ये सड़क दौलतपुर के प्रगतिशील किसान रामशरण वर्मा की आलीशान कोठी पर जाकर रुकती है, जिन्होंने अपने नए प्रयोगों से खेती को एक नई पहचान दी है। मेरा नाम रामशरण वर्मा है। हम ग्राम दौलतपुर बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आज हमने 1986 से खेती शुरू करके, जहाँ किसान को लोग कोई किसान का एक दीन हीन एक वैसे भावना से किसान को देखते हैं, हमने खेती कर करके आज खेती के बदौलत, खेती में मेहनत कर करके आज खेती में लोग हमको एक हाईटेक किसान के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कि जिला, प्रदेश और देश नहीं, हमको कम से कम 30 से 40 कंट्री में लोग जानते हैं कि कोई रामशरण वर्मा एक केले की, टमाटर की, एक आलू की खेती करते हैं। वर्मा माली हालत खराब होने के कारण कक्षा 10 के आगे की पढ़ाई नहीं कर सके और छोटी सी उम्र में ही अपने कृषक पिता का हाथ बटाने लगे। मजबूरी में खेती करने वाले रामशरण बताते हैं कि तब और अब में उनकी जिंदगी में क्या बदला है। साइकिल से लखनऊ जाते थे, पैदल चलते थे, ठीक है। आज हमारे पास हवाई जहाज से चलने का समय नहीं है और दूसरे आराम से काम कर रहे हैं, रह रहे हैं और बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। खेती में हम करीब 17 से 18 घंटा काम करते हैं और आर्थिक क्या है कि बस अपना बढ़िया आराम से खेती कर रहे हैं, बहुत खुश हैं यहाँ पर रह करके। पैसे से कोई ये तो है नहीं कि कोई पैसे से खुश नहीं हो सकता है, खुश आप अपने मन से हो सकते हैं। इस तब्दीली के पीछे कोई और नहीं, खुद रामशरण की मेहनत और कुछ नया करने की सोच का बहुत बड़ा हाथ है। जब वो खेती में आए तो महज 4 एकड़ खेत और उस पर चावल गेहूं की परंपरागत खेती से किसी तरह उनका और उनके परिवार का पेट ही भर पाता था। 1984 में वर्मा ने किसी तरह 5,000 रुपए का जुगाड़ किया और करीब 1.5 साल तक भ्रमण कर देश के दूसरे प्रगतिशील किसानों और खेती से जुड़ी संस्थाओं से मिलकर बारीकियां सीखी। 1986 में पहली बार वर्मा ने पिता के विरोध को दरकिनार कर 1 एकड़ में केले की खेती शुरू की। शुरुआत में फायदा दिखा तो दोबारा कुछ खास तरीके से टिश्यू कल्चर तकनीक को अपनाकर जब खेती की तो मुनाफा अचानक 30% तक बढ़ गया। गुजरात गए, पंजाब गए, हरियाणा और इन सब राज्यों को देखा कि हमने वहाँ के किसान कुछ गेहूं धान से हट करके कुछ नई खेती करते हैं, तो हमने फिर केले की खेती शुरू की 1990 में 1 एकड़ से केले की खेती शुरू की। आज हम करीब 80 एकड़ पर केले की खेती करते हैं। इसके साथ केला करते हैं, इसके साथ टमाटर, आलू और मेंथा, हम 4 फसलों की खेती करते हैं 140 एकड़ पर। ये 4 फसलों की खेती करने का एक मतलब ये है कि एक फसल के बाद हम जो दूसरी फसल लगाते हैं तो उसमें खाद हमको कम डालना पड़ता है। फसल चक्र का बहुत बड़ा ये खेती में इसका बहुत ही बड़ा रोल है और इससे उत्पादन 30% बढ़ता है और 20% हमारी जो लागत है वो कम होती है। इसके बाद रामशरण ने अपने खेत को ही अपनी प्रयोगशाला बना ली। इस प्रयोगशाला में उन्होंने बहुत से प्रयोग किए और मुनाफा भी कमाया। फिर चाहे वो केला हो या टमाटर,
तमाम प्रयोगों से उन्होंने इनकी अलग अलग प्रजातियां विकसित की। इस काम में इनको प्रेरणा किसी और से नहीं बल्कि खुद इनके पेड़ पौधों से ही मिली। ये बताते हैं कि ये पेड़ों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्हें क्या चाहिए। हमने ये किया, पहले तो मेहनत किया, मेहनत का कोई और नई तकनीक का इस्तेमाल किया, पौधे से सीखा, पौधे से बातचीत किया कि पौधे तुमको क्या चाहिए, पानी चाहिए। आज हम आप ही क्या जान सकते हैं कि पौधा हमारा कितना बड़ा उत्पादन दे सकता है। तो इसको, इसके भी दिमाग को समझना एक बड़ी बात है। तो हमने इसको समझा, अपने खेत पर रिसर्च करते हैं, खेत पर मेहनत करते हैं। जब इनको अच्छा मुनाफा होने लगा तो इन्होंने अपने साथ आसपास के किसानों को भी समझाया कि वो भी इस तरह से खेती करें। अपने खुद के गांव के किसानों को साथ लिया और एक बड़े क्षेत्रफल में केले की खेती शुरू की और शुरुआती फायदे ने किसानों को पूरी तरह व्यवसायिक खेती की तरफ मोड़ दिया। और किसानों को भी समझ में आने लगा कि अगर पारंपरिक खेती से थोड़ा सा हटकर कृषि की जाए तो मुनाफा बढ़ाया जा सकता है। किसान थोड़े हमारे कम पढ़े लिखे भी होते हैं, थोड़ा उनको समझ में, लेकिन यदि कहीं खेत पर आ करके देखते हैं कि एक एकड़ में टमाटर एक पेड़ में 4 किलो लगा है या 5 किलो लगा है, तो देखते हैं बाज़ार में 5 रुपया किलो बिक रहा है, तो इस पेड़ में टमाटर 25 रुपये के हो गए। यदि 8,000 पेड़ लगे हैं एक एकड़ में, तो आप ये समझ लीजिए, वो समझते हैं कि 2 लाख रुपया एकड़ में होगा। तो किसान हमारा ज़्यादातर है वो देख करके खेती करता है, देख करके देखेगा। जैसे हम आपके चैनल माध्यम से बोल रहे हैं, आप जाएंगे हमारी बात सुनेंगे, यहाँ पर आकर के वो देख भी सकते हैं। जब देखेंगे तो देख करके किसान ज़्यादा खेती के लिए, खेती की तरफ खेती सीखता है। और किसान में जो बदलाव नहीं आ रहा है वहाँ पर, जैसे अब एक किसान कोई लगाए वो देखें तब वो बदलाव आएगा। और किसान हमेशा पढ़ करके तो खेती नहीं करना, सुन करके नहीं करना चाहता है। जैसे चैनल के माध्यम से देखेगा तो फिर उसमें फ़ोटो देखेगा, फ़ोटो देखेगा तो फ़ोटो देख करके भी सीख सकता है, लेकिन को पढ़ करके बहुत ही कम उसमें बदलाव नहीं आता है। तो और बदलाव करना चाहता है, खेती नहीं करना चाहता है, लेकिन उसको सही जानकारी, लेकिन वो देखना चाहता है जेन्युइन चीज़, रियल चीज़, तब वो करना चाहता है। वर्मा ने वो सारे प्रयोग अपने खेतों में किए जिससे कृषि की लागत कम और पैदावार बढ़ सके। आज की तारीख में उन्होंने केले और टमाटर की अनेक प्रजातियां विकसित कर कृषि के जानकारों को भी चौंका दिया है। हमारे देश के लोग तो आते हैं, हमारे बाहर कंट्री के लोग भी आते हैं, तो उनको हमने लगा रखा है कि यहाँ देखें लोग कहाँ कहाँ के लोग आते हैं। वर्मा ने अपने 7 गांव के किसानों को जोड़कर स्टेकिंग विधि से टमाटर और आलू की बुआई की कम खर्चीली और प्रभावशाली तकनीक ईजाद की। ये हमारी टमाटर की खेती है जो हमने स्टेकिंग किया है, जिसकी ये नामधारी प्रजाति है। स्टेकिंग करने से करीब 30-40% ज़्यादा पैदावार होती है। जैसे इसको हम सहारा न दें तो हमारी पैदावार 200 कुंटल एकड़ की आएगी, लेकिन जो हम सहारा दिया है तो हमारी पैदावार 400 से 500 कुंटल की एकड़ की आएगी। अभी तो ये लगा हुआ 30 दिन का हुआ है, जब हमारी फसलें 70-80 दिन की हो जाएगी तो पक जाएगी, फिर टमाटर का उत्पादन हमको मिलने लगा जिसको हम मार्केट ले जाएंगे। और ये इसको हम आलू खोद करके ये टमाटर लगाएंगे। 1995 में वर्मा को जबरदस्त घाटा हुआ जब बरसात और आंधी ने उनकी केले की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस आपदा ने उन्हें फसल चक्र में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने अपने 2/3 खेत को मॉनसून में खाली छोड़कर होने वाले नुकसान को लगभग ना के बराबर कर दिया। जैसे इस बार इतनी बड़ी आपदा आई कि गेहूँ की फसल 50% से ज़्यादा नष्ट हो गई है। गेहूँ, सरसों, चना, मटर, अरे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है खेती में, पहली बार हमने जीवन में देखा इतना। तो ये तो सब आती जाती रहे, जीवन में कहीं नुकसान है तो कहीं फ़ायदा है। फिलहाल कठिनाई तो अपने पास बहुत आई, लेकिन कठिनाई के भी रास्ता भी बहुत है। यदि कठिनाई से आप कहीं चलते हैं, कठिनाई आती है यदि उसको, तो आपको एक नया रास्ता भी मिलता है। कठिनाई से आपको एक अच्छा रास्ता मिलता है।
मेहनत करते हैं खेत पर। जैसे हमने आलू का बताया कि आलू का प्रोडक्शन, आम किसान तो 150 कुंटल ले रहा है, हम 250 कुंटल ले रहे हैं। आम किसान अभी बार बार उसी खेत में गेहूं ले रहा है, आज 20 साल हो गए। हम एक बार गेहूं लेते हैं, तीन साल तक उसमें गेहूं की फसल नहीं लगाते हैं। एक फसल चक्कर आप केवल लगाइए तो आपको, जहाँ आपकी आमदनी एक हज़ार होती है तहाँ 1300 रुपया हो जाएगी केवल फसल चक्र से। तो हमने टेक्निक का इस्तेमाल किया, मेहनत किया और नए नए तरीके खोज करके लाए, इसी से आज अलग एक पहचान बनी। वर्मा ने वो सारे प्रयोग अपने खेतों में किए जिससे कृषि की लागत कम और पैदावार बढ़ सके। आज की तारीख में उन्होंने केले और टमाटर की अनेक प्रजातियां विकसित कर कृषि के जानकारों को भी चौंका दिया है। इनके प्रयोग और मुनाफे ने इनका हौसला इतना बढ़ा दिया है कि ये दावे के साथ कह देते हैं कि तुम अपना खेत मुझे दो, मैं तुम्हें उम्मीद से ज्यादा मुनाफा कमा कर दूंगा। शायद इसी सोच का नतीजा है कि ये है तो 90 एकड़ खेत के मालिक, लेकिन इनकी खेती फैली है 300 एकड़ में। दरअसल इन्होंने सहकारिता के मॉडल को अपनाते हुए दूसरे किसानों के खेत पट्टे पर लिए और उन खेतों में आधुनिक तौर तरीके अपनाकर कायाकल्प कर दिया। जो किसान नहीं करना चाहते हैं तो कहते हैं कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ मिल करके अपने खेत में काम करिए। तो उनके खेत में मिल करके काम करते हैं, उनके खेत हम एक साल के लिए पट्टे पे ले लेते हैं, एक साल के लिए उस पर ले लेते हैं कि वो कहते हैं हमको इतना पैसा दे दीजिए। एक साल उनको पैसा दे दिया कि वो खेत ले लिया तो उनका हम खेती करते हैं, उनका भी हम एक अच्छा जो कहते हैं उनका एक अच्छा जो धान गेहूँ सरसों जितना वो पैदा करते हैं उससे ज़्यादा उनको हम पैसा देते हैं। जो पैसा उनको ज्यादा देते हैं तो वो दे देते हैं, ऊपर भी खेती करते हैं। कुछ ऐसा हमने किया है कि उनके साथ वो उनके खेत पर काम करते हैं, उसकी फसल का या उसके उत्पादन का 50% आधा आधा बंटवारा होता है खर्च निकाल करके, इस तरीके से काम करते हैं। इन्होंने अपने काम से इतना नाम कमाया कि पूरे प्रदेश क्या देश भर से किसानों के सवाल इनके पास आने लगे और वो भी इनकी ही तरह खेती करना चाहते हैं। लोगों की जिज्ञासा और नया करने की अभिलाषा को देखते हुए इन्होंने अपने खेत को एक उन्नत आधुनिक फार्म के रूप में तब्दील कर दिया। ऐसा फार्म जहां बकायदा किसान गोष्ठी भवन है तो साथ ही किसान मेले के आयोजन की पूरी व्यवस्था भी है। ये हमारा किसान सदन है, हमने ये बना रखा है। यहाँ पर किसान हमारे आते हैं और उनको हम बैठा करके सिखाते हैं और बताते हैं कि अपनी खेती की क्या क्या टेक्निक है। अभी 3 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल जी आए थे, उनसे हमने इस किसान सदन का उद्घाटन कराया था और कि यहाँ पर हमारे किसान साथी आएँ, बैठ करके खेती की एक नई नई जानकारी सीखें जो हम कर रहे हैं, वो ये सदन पे उनको बताते हैं। हम समय समय के ऊपर खेती तो दिखाते ही रहते हैं अपने किसान साथियों की, आएँ खेती देख करके करें, कैसे हमने पौधा लगाया है, कौन सी वैरायटी है, ये हमने सेकेंड क्रॉप कैसी केले की रख रखी है। इसके साथ साथ हम अपने यहाँ समय समय के ऊपर वर्ष में एक बार अपने किसान साथियों को एक किसान मेला यहाँ लगाते हैं, बहुत बड़ा, जो कम से कम 15,000 से 20,000 किसान पूरे प्रदेश से इकट्ठा होते हैं। उस समय हम अपने जो हमारे कृषि यंत्र हैं, जो हमारे तकनीक है, जो हमारा शोध है कि हम कैसे क्या क्या करते हैं, वो सब अपना यहाँ मॉडल अपना डीमो अपने फार्म हाउस पर रखते हैं और सारे किसानों को हम बताते हैं कि देखें और करें। तो ये साल में है, वर्ष में हम एक बार करते हैं, जब हमको खेती से समय मिलता है तब करते हैं, कोई इसका निर्धारित समय नहीं है, लेकिन एक बार अवश्य करते हैं साल में। इनके फार्म पर देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं, जहां इनकी कृषि तकनीक देखकर और इस तकनीक के लिए मिले पुरस्कारों और सम्मान को देखकर प्रेरणा लेते हैं। रामशरण का सपना है कि किसान आज जिसकी पहचान तीनहीन और बेचारे की बन गई है उनकी तकदीर बदले। ये कहते हैं कि अगर ये सफल हुए हैं तो कोई भी हो सकता है। इस बात को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए इन्होंने हाईटेक एग्रीकल्चर एंड कंसल्टेशन नाम से वेबसाइट तैयार किया है और इस वेबसाइट को बनाने के अपने मकसद में ये कामयाब भी हुए हैं। ये हमने ये लगा रखा है कि जैसे ये देखिए लगा रखा है यहाँ पर हमारे
हमारे देश के लोग तो आते हैं, हमारे बाहर कंट्री के लोग भी आते हैं, तो उनको हमने लगा रखा है कि यहाँ देखें लोग कहाँ कहाँ के लोग आते हैं। दूसरा हमने बोर्ड लगा रखा है आप जो हमारी आलू की टेक्निक है, जैसे हम आलू की पैदावार ज़्यादा करते हैं, कैसे हमने ज़्यादा किया है 240 से 260 कुंटल, हम किस तरीके से गए हैं, तो उसमें हमने लिख रखा है कि बीज की संख्या हमने बढ़ाई है, गहराई बढ़ाई है, हमने दूरी बढ़ाई है। दूसरे हमने केले का बोर्ड लगा रखा है कि केले की जीनेन प्रजाति कैसी होती है, कितना लंबा केला होता है, किस कैसी इसकी पौध होती है, कब लगाना चाहिए, ऐसे हमको जैसे पुरस्कार मिले हैं वो हमने लगा रखा है कि एक देखें लोग आकर के देख करके उनका एक मन बने कि खेती से भी कुछ अच्छा लाभ कमाया जा सकता है, खेती करके भी हम कुछ अच्छा जीवन कर सकते हैं। इन्होंने अपने फार्म हाउस में ऐसी सुविधाएं मुहैया करा रखी हैं कि देखने वाले भी दंग हो जाए। फिर चाहे वो आसपास के किसानों के लिए किसान गोष्ठी भवन हो या फिर विशिष्ट मेहमानों के लिए बनाया एयर कंडीशन कॉन्फ्रेंस रूम हो, इस कॉन्फ्रेंस रूम को देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि ये ऐसी जगह है जहां लोग किसी जमाने में एक अदद छत को तरस जाते थे। आज ये सिर्फ एक किसान नहीं रह गए हैं, ये किसान से कुछ ज्यादा बड़ा किरदार निभा रहे हैं। किरदार भी ऐसा कि अपने पीछे ना जाने कितने रामशरण छोड़ जाएंगे। ये आज एक कंसल्टेंट के काम को भी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने अपने फार्म हाउस में ऐसी सुविधाएं मुहैया करा रखी हैं कि देखने वाले भी दंग हो जाए। फिर चाहे वो आसपास के किसानों के लिए किसान गोष्ठी भवन हो या फिर विशिष्ट मेहमानों के लिए बनाया एयर कंडीशन कॉन्फ्रेंस रूम हो, इस कॉन्फ्रेंस रूम को देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि ये ऐसी जगह है जहां लोग किसी जमाने में एक अदद छत को तरस जाते थे। वर्मा बताते हैं कि आज भले ही उनकी जिंदगी में चैन सुकून के सारे साधन उपलब्ध है, लेकिन वो अब भी लगभग 17 घंटे अपने खेतों में पसीना बहाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि मेहनत और श्रम का कोई विकल्प नहीं होता। सिर्फ 10वीं तक पढ़े रामशरण के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान बिखर जाती है जब वो ये बताते हैं कि उनके दिखाए रास्ते ने गांव की ऐसी तस्वीर बदली कि अब लोग पैसा कमाने बाहर नहीं जाते, बल्कि शहर से लोग खुद गांव आ रहे हैं। ये हमने ऐसे एक बना रखा, एक नाम रखा इसका, हमने नाम इसलिए रखा कि हम यहाँ पर खेती करेंगे, खेती करते हैं, खेती के साथ साथ किसानों को खेती की निःशुल्क जानकारी देते हैं। वो फ़ोन के माध्यम से है, खेती दिखा करके है, यहाँ अपने सेंटर पे है, अपने यहाँ फार्म हाउस पे है। दूसरी हमने वेबसाइट बना रखी है, वेबसाइट के माध्यम से हमारी वेबसाइट हमारे किसान साथी 7 से 8 हज़ार किसान विजिट करते हैं प्रतिदिन पूरे विश्व में, चूँकि हमको पता नहीं कहाँ कहाँ देखते हैं, लेकिन 7 से 8 हज़ार लोग डेली वेबसाइट देखते हैं। तो इसका एक ये सेंटर का मतलब जो है कि खेती करिए, खेती करते हैं, खेती सिखाते हैं, और कहाँ बेचना है, कैसे करना है, मतलब इसका पूरी जानकारी। पहले हमको बताया नहीं, बेचने में बहुत बड़ी समस्या होती है, अब बिक्री की कोई समस्या नहीं। तो ऐसा नहीं है, जो आज लोग खेती से भाग रहे हैं वो खेती में थोड़ा नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, नई सीख की ज़रूरत है, नई जानकारी की ज़रूरत है। खेती से बड़ा तो हम तो यही कहेंगे कि कोई बिजनेस नहीं है। साल में 15 से 20 हज़ार आदमी हमारे यहाँ काम करते हैं, जिनको हम बढ़िया मजदूरी देते हैं और बढ़िया, और यहाँ पर ये यहाँ का कोई आदमी शहर नहीं जाता, बल्कि शहर के आदमी हम यहाँ काम करने के लिए लाते हैं। और बहुत ही अपने पास लोग कहते हैं कि खेती में आदमी नहीं है, खेती में का, लेकिन पहले आप स्वयं करिए, पहले हमने भी किया, हम गेहूं काटे हैं, केला काटे हैं, केला में मिट्टी चढ़ाए, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मजदूरी का हम नहीं किया। मजदूरी क्या, मजदूरी तो सब आप करते हैं, हम सब आप लोग मजदूरी करते हैं, चाहे कोई बड़ा काम कर रहा हो, छोटा काम कर रहा हो, सर्विस तो ही कर रहा है ना। तो हम भी अपने खेत की मजदूरी करते हैं, अपने पौधे की मजदूरी करते हैं, सबको यही बताते हैं कि काम करने में कभी भी शर्म नहीं आना चाहिए, मेहनत ही आपको, मेहनत का कोई जवाब नहीं है, मेहनत आपको कहीं किसी भी ऊंचाई पे ले जा सकती है। तो मेहनत हमने किया और सबको यही बताते हैं कि मेहनत करिए, और हमारे जितनी टीम है काम करने वाली वो बढ़िया काम कर रही है, और उनको हम बढ़िया पैसा भी दे रहे हैं, 20
15 से 20 हज़ार लोगों को गांव में ही रोज़गार है। यहाँ का कोई आदमी शहर काम करने नहीं जाएगा, जब वहाँ से अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो क्यों जाएगा काम करने के लिए। वर्मा को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तब मिली जब उन्हें केंद्र सरकार ने जगजीवन राम किसान पुरस्कार से सम्मानित किया। उसके बाद तो जैसे पुरस्कारों की झड़ी लग गई, फिर चाहे वो जिला स्तर का पुरस्कार हो या प्रदेश स्तर या फिर राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, कृषि जगत का शायद ही कोई ऐसा सम्मान हो जो इनको ना मिला हो। साल 2013 में गुजरात सरकार ने इनकी काबिलियत को देखते हुए अपने कृषि विभाग का सलाहकार भी नियुक्त किया। वर्मा अब तक देश भर के 1 लाख से ज्यादा किसानों को अपने फार्म पर नई तकनीक से केला, आलू, टमाटर और मेंथा की खेती का मुफ्त प्रशिक्षण दे चुके हैं। सिर्फ 5,000 रुपए से शुरू हुआ रामशरण वर्मा का सफर आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि वो सिर्फ खेती से सालाना 3 से 4 करोड़ का कारोबार कर लेते हैं। रामशरण ने जो काम अपने दौलतपुर गांव में कर दिखाया है, अगर ऐसी ही हरियाली देश के सभी गांव में आ जाए तो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577-049 पर।